हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमारी जो यूनिट चल रही है, हमारे पास में जो चैप्टर चला हुआ है वो है मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के अंदर जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। तो पहले हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ को समझा, वेक्टर फॉर्म उसको समझा, फिर उसकी एक एप्लीकेशन हमने की थी। हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से। आज के टॉपिक में हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो निकालेंगे सेंटर पर, किस पर? एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर। उस पूरी कॉइल का हम आर्क भी ले सकते हैं कोई, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या किया मैंने, कोई भी अपने पास में कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, ये अपने पास में कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, सर्कुलर है, इस तरीके से करंट इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है, आई करंट, और यहाँ से इस तरीके से करंट बाहर जा रहा है, आई करंट, ठीक है। तो इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है वो कैसे फ्लो रहा है हमारे पास में? बोला क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। तो एक कॉइल है और इस कॉइल की जो रेडियस है, इसका सेंटर अगर है तो इसकी जो रेडियस है वो कंसिडर कर लेता हूँ मैं, कितनी? ए। कितनी? बोलो ए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो कंसिडर एक कॉइल, ठीक है ना, इन विच करंट आई इज फ्लो, करंट आई इज फ्लो, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, एंड इट्स रेडियस, और इसकी रेडियस हम कितनी मान लेते हैं? स्मॉल ए मान लेते हैं। तो इस पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से, हमें पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये दोनों जो वायर्स हैं इनकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों वायर इसी पॉइंट में से पास होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर जीरो हो जाएगी। क्लियर है? ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। खैर बच्चों, अब हमारे पास में बचता है ये पूरा सर्कुलर वायर। इस पूरे सर्कुलर वायर की वजह से मेरे को यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जरा ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर आर्क है अपने पास में, कोई वायर है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में भी फ्लो हो सकता है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो इस कोई करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसकी लेंथ कितनी है डी एल। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो रहा है, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे जो ए डिस्टेंस पर है पॉइंट, यहाँ पर है ना, निकालेंगे। और इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? दैट इज नॉर्मली इनवर्ड्स। कैसे? कि हमने एक छोटे से करंट, हमने देख सकते हैं ना डी एल क्रॉस ए आर वैक्टर, क्योंकि आर वैक्टर होगा ना अपने पास में, ये कौन सा होगा? आर वैक्टर। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ इस पूरे रिंग के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर हम एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है, ये एक करंट एलिमेंट कट कर लिया मैंने, दैट इज आई डी एल वैक्टर। कौन सा? बोलो आई डी एल वैक्टर। इस करंट एलिमेंट की वजह से मेरे को यहाँ पर इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इस करंट एलिमेंट को यहाँ से मिलाओगे तो ये क्या है आपके लिए? आपका था आर वैक्टर, और ये एंगल आपका कितना था? थीटा, जो कि इस केस में कितना हो रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है ना? 90 डिग्री। और सर्कल केस में रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। क्लियर? ओके। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे। ऐसे इस पूरे रिंग के ऊपर कितने एलिमेंट कट करोगे? इनफाइनाइट। एक एलिमेंट ये, फिर एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, बहुत सारे एलिमेंट कट करोगे, सब की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक बात देखी गई यहाँ पर, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये छोटा सा एलिमेंट जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हो आप ए डिस्टेंस पर, तो करंट ऊपर जा रहा है, थम कर लीजिए किसकी डायरेक्शन। पहले बात तो करंट कैरी कंडक्टर अपने राइट हैंड में पकड़िए, आप उंगलियों को पॉइंट करो किधर? किधर? पॉइंट की तरफ। तो आपकी जो थंब होगी वो डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, या जो आपकी जो उंगलियां जिधर कर्ल्ड होगी हमारे पास में वो क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो है इनवर्ड। कैसी है? इनवर्ड है प्यारे बच्चों। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप इनवर्ड, तो जितने भी करंट एलिमेंट यहाँ पर आप कट करोगे सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स होगी।
इन्वर्स होने का मतलब आप सारी मैग्नेटिक फील्ड के जो जितने भी एलिमेंट के जिस मैग्नेटिक फील्ड डी बी डी बी डी बी आप निकालोगे सबको ऐड कर दो, और ऐड करेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे आप, बाय इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो डी बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास में, डी बी क्या मान लेते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट आप करंट एलिमेंट बोल सकते हो इसको, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज आइडियल वेक्टर, ठीक है ना, एट ओ पॉइंट, ओ मतलब इस कॉइल के सेंटर पर, ठीक है। तो डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में छोटे से एलिमेंट की वजह से, हमें जानते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ यूज कर लेते हैं, म्यू नोट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा हमारे पास में इस केस में कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा 90 डिग्री, बाय डिस्टेंस स्क्वेयर, डिस्टेंस कितनी है दैट इज आर स्क्वेयर, और आर की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है दैट इज ए। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये जो रेडियस है वो कितनी ए है। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास में, दैट इज म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वेयर। ये तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास में, आप इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हो। क्या करोगे कि हमारे राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको आप कर्ल्ड करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में कर्ल्ड कर लो ऐसे, तो थंब है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। आप ऐसे तो घुमा नहीं सकते थे, है ना, आप ऐसे ही कर्ल्ड करोगे ना फिंगर्स को, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड्स, क्योंकि थंब की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इनवर्ड आप बोल सकते हो, इनवर्ड्स का मतलब क्रॉस, ठीक है। तो हमने अभी पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाली है बच्चों, इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाली, हमने तो इस पूरे वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है। खैर, हम पूरे की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करके, क्योंकि हम छोटे छोटे एलिमेंट इस पर कंसिडर करेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट कट करेंगे, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, नेट फील्ड के लिए ऐड, ऐड का मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेशन। चलो आइए करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, सॉरी साइन 90 बाई साइन 90 वैल्यू 1 होती है बाई ए स्क्वायर। तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, तो डी बी का इंटीग्रेशन यहाँ पर प्यारे बच्चों जो इंटीग्रेट हो रहा है, इस पूरी क्लोज लूप का इंटीग्रेट हो रहा है, इस पूरी यहीं से चलते हैं एलिमेंट कट करते 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 इस पूरी क्लोज लूप को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो सर्कल, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, हम जैसे यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कट किया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ 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 से लेके यहाँ पर मान लेता हूँ कोई है, मान लो लिमिट है जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक एलिमेंट कट कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा लेंथ कितना 2πr, तो यानी कि लिमिट रख सकते हो आप 0 to 2πa, ठीक है ना, ये टोटल लेंथ हो गई। डी बी का इंटीग्रेशन हो गया, बी कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लिया गया, म्यू नॉट बाई 4π है, आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है स्क्वायर, तो अंदर जो बचेगा इंटीग्रेशन वो बचेगा डी एल का, लिमिट हो जाएगी 2πa। तो यहाँ पर जो म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डी एल का इंटीग्रेशन करोगे आप कितना हो जाए, एल लिमिट 0 to 2πa, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू मिली वो देखो कितनी आई, म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए स्क्वेयर इंटू 2πa माइनस लोअर लिमिट जीरो करोगे तो जीरो, छोड़ो उसको आप। तो इस केस में यहाँ पर देखा गया हमारे पास में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, वो आएगी प्यारे बच्चों म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए, क्योंकि एक ए से एक ए मैंने कैंसिल कर दिया, इंटू कितना बचा 2π, इंटू कितना बचा 2π। आप चाहो तो 2π को कैंसिल कर सकते हो, बट यहाँ पर हम कैंसिल नहीं करेंगे रिजल्ट को याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने अब बताया था जितने फॉर्मूले आपके पास में, ये कॉमन वैल्यू तो आ रही है, म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए आ रही थी ना, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकाली थी, वहाँ पर भी आई थी, वहाँ पर ए क्या थी, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी उस कंडक्टर से, थी ना, और यहाँ पर जो ए है वो भी क्या है, छोटे से एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉयल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉयल, ठीक। तो क्या करते हैं हम रियलिटी में, क्या करते हैं, म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए इंटू 2π के,
क्योंकि पूरा जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, पूरा वायर, ये पूरे जो आर्क है हमारे पास है, पूरा जो लेंथ वायर की, ये सेंटर पर एक एंगल बना रहा है। तो वो एंगल कितना बना रहा है? 2 पाई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू क्या लिख दिया हमने? 2 पाई। कितना लिख दिया बोलो? 2 पाई है। ऐसा आप याद रख सकते हो। बोलो क्लियर है मेरी बात? और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? आप देखिए, आप हमारी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की, वो कर्ल्ड कर लीजिए आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अपना जो थंब होगा वो सेंटर पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर? सेंटर पर, इनवर्ड्स। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इन दिस केस कैसी है? इनवर्ड्स। ठीक है ना? करंट क्लॉकवाइज है तो, हाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाता। तो ये रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए। तो वीडियोज़ को पॉज करके बच्चों इसको नोट जरूर करते चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। ये तो था पूरा सर्कुलर वायर, पूरा सर्कुलर वायर था फुल। अब क्या करते हैं देखो, हमारे पास में हो सकता है आर्क भी, हाँ उसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रूफ करने का कोई लॉजिक हमारा नहीं है। हाँ देखिए, प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर इस बात को भी किसी कोने में नोट कर लीजिए कि हमारे पास में मान लो कोई भी आर्क है, ठीक है ना, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है? आई। करंट कितना फ्लो रहा है? आई। ठीक है, ये आर्क है और ये सेंटर पर, ये आर्क अपने सेंटर पर कुछ एंगल बना रही है, अपने सेंटर पर क्या बना रही है? कुछ एंगल बना रही है। ये एंगल मान लो अल्फा एंगल है, तो आपको करंट आई है और इसकी जो रेडियस है वो मान लेता हूँ रेडियस ए। कितनी मान लेते हैं? ए इसकी रेडियस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू देखनी है कितनी होगी। तो अब इसको प्रूफ भी कर सकते हो, यहाँ से कितने एंगल पे जाके मान लो, चलो प्रूफ करवा देते हैं इसको, ठीक है ना। वायर की आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा एंगल अल्फा है, पूरा एंगल कितना? अल्फा। तो यहाँ से आप कितना एंगल जाके मान लो थीटा एंगल जाके डी थीटा एंगल कंसिडर करो। ये जो एंगल होगा ये कितना अपना? डी थीटा। तो ये जो एक छोटा सा एलिमेंट कट किया हमने, ये वाला एक छोटा सा एलिमेंट जिसमें करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो रहा है, डी एल इसकी लेंथ है, कितनी है बोलो? डी एल। तो दिस इज आई डी एल वैक्टर। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देख सकते हो। इंटेंसिटी ए होगी, अब तो रेडियस ही होगी ना, ठीक है ना, ये भी तो होगी। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी डी बी। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा इस केस में कितना होगा? 90 डिग्री। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास में, दिस इज आर वेक्टर, ये एंगल होगा 90 डिग्री होगा हमेशा बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब आपको यहाँ से यहाँ पूरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। सबसे पहले एक बात बताते हैं, क्या इसमें आप लिख सकते हो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई ए लिखा जा सकता है। यहाँ से आप डी एल की वैल्यू कितनी रख सकते हो? म्यू नोट बाई 4 पाई। आई डी एल की वैल्यू रख सकते हैं ए इंटू डी थीटा बाई कितना? ए स्क्वेयर। एक ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी बी की वैल्यू जो आई हमारे पास में वो आई प्यारे बच्चों म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू डी थीटा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है ना, मेरे को तो इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना होगा। जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो बाहर ले ली मैंने, थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ है? तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा कितना मान लेता हूँ? 0। यहाँ से एलिमेंट कट करना स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट यहाँ तक कट होंगे तो थीटा की वैल्यू 0। 0 से कितना है? अल्फा। ये पूरा एंगल अल्फा था, थीटा वैल्यू है 0 से लेके अल्फा तक। तो डी बी का इंटीग्रेशन हो गया बी प्यारे बच्चों, तो म्यू नोट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आई बाई ए है, इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, लिमिट है 0 से अल्फा। अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिली वो मिली म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू अल्फा माइनस 0 मतलब इंटू अल्फा। ये रिजल्ट आया। और पूरे वायर की वजह से, पूरे सर्कुलर वायर था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आई थी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई, क्योंकि जो पूरा वायर था सर्कुलर वायर वो सेंटर पर 2 पाई एंगल बना रहा था। ये जो आर्क है ये सेंटर पर अल्फा एंगल बना रही है, तो इंटू अल्फा कर दो, इसमें कोई खास बात नहीं है। हमें बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए बच्चों। डायरेक्शन आप देख सकते हो, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल्ड करो आप, तो करंट किधर फ्लो रहा है हमारे पास में? देखिए आप, कर्ल्ड ऐसे फ्लो रहा है, तो कर्ल्ड किया मैंने इस तरीके से, अंगूठा के क्या बताएगा? इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किधर होगी? क्रॉस मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे।
आइए इसको नोट जरूर कर ले कोने में और आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, सबसे पहला एक सवाल देखो। हाँ, नोट जरूर करते चले जाओ बच्चों, इसमें कोई खास टॉपिक नहीं है, कोई बायोट चार्ट्स लो कि एक अच्छी एप्लीकेशन आएगी। नेक्स्ट हम करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक? अभी देखो आप, मैं कहता हूँ मेरे पास में एक सवाल, मेरे पास में कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट 2i मान लेता हूँ, इन्फाइनेट से आ रहा था, यहाँ पर आए तो करंट ऐसे गया, ये गया, ठीक है? ऐसे करंट फ्लो होता। मान लो इधर से करंट आ गया तो इधर से भी करंट आ गया होगा 2i i i, मिलके फिर से कितना हो जाएगा 2i, या इन्फाइनेट तक जाता है। तो इस सर्कुलर वायर के सेंटर O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर कितनी होगी? तो यहाँ पर आप देखिए, मैं कुछ सेक्शन मान लेता हूँ इस पूरे वायर का, एक सेक्शन ये है यहाँ से लेकिन इन्फाइनेट से आ रहा है यहाँ तक, और एक सेक्शन ये है वायर नंबर 2 मान लेता हूँ, एक ये वायर है वायर नंबर इसको 3 मान लेते हैं, एक ये वायर है वायर नंबर 4। चारों वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है O पॉइंट पर। तो सबसे पहले एक बात को आपको पता होना चाहिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, वन वायर की वजह से और फोर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट दिस पॉइंट O इज़ 0। क्यों होगी? क्योंकि O जो पॉइंट है इन दोनों वायर के एक्सिस पर है, क्योंकि दोनों वायर जो हों इसी पॉइंट के अंदर से पास होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जाहिर सी बात है वहाँ पर 0 होगी। उसके बाद अब वायर नंबर 2 की वजह से देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू होगी B2। तो ये जो होगा हमारे पास में, ये देखिए एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ये सर्कुलर आर्क है, जो आर्क है सेंटर पर एंगल बना रही है पाई, और इस आर्क की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B2 की वैल्यू होगी। मैं बता चुका म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई बाई इसकी रेडियस मान लो ए है, इंटू एंगल अल्फा, अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट लिखा हमने म्यू नॉट आई बाई 4a, और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, अंगलिया को कर्ल्ड किया मैंने, अंगूठा किधर है? इनवार्ड, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या तरह है? इनवार्ड, अंदर की तरफ है। ये B2 की वैल्यू आई। अब इस तीसरे नंबर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे B3, तो वैल्यू आएगी हमारे पास है म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई बाई रेडियस इंटू एंगल कितना है पाई, क्योंकि ये आर्क है, ये भी तो सेमी सर्कल है, यहाँ पर एंगल पाई ही बना रहा है, ठीक है ना? कैंसिल पाई से पाई हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आई B3 की, वो कितनी आई? म्यू नॉट आई बाई 4a। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, उंगलियों को कर्ल्ड करते हैं, इस करंट की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर का मतलब डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड। देखिए B1 और B4 तो 0 हो गया, और B2 और B3 सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, B2 अंदर है, B3 बाहर है, और ये आपस में इक्वल भी है, सो कैंसिल आउट ईच अदर, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देती हैं। तो कहने का मतलब क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज इक्वल टू 0, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी? 0, कितनी हो जाएगी? 0। तो वो वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का, मान लो एक आर्क है अपने पास में, करंट ऐसे आई जा रहा था, और इस आर्क की जो रेडियस है वो मान लेता हूं बी, कितने मान लेते हैं बी, फिर ये करंट आया ऐसे, फिर ऐसे गया करंट, यहाँ से करंट, ऐसे करंट आया मान लो, कहाँ से? इन्फाइनेट से करंट आया, ऐसे करंट गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे, ऐसे करंट जा रहा है। तो आपको इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और ये इस आर्क की रेडियस A मान लेना, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको सवाल आया होगा समझ में, ठीक है ना? ऐसे करंट आया, ठीक है, फिर वायर को आर्क की फॉर्म में बेंड किया, फिर ऐसे आया, फिर एक छोटी आर्क बनाई, और फिर वायर ऐसे करंट,
तो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। कर लें, कोई खास बात इसमें नहीं है। देखिए जरा आप ध्यान से किस तरीके से यहाँ पर कितने सेक्शन हैं वायर के, एक तो ये रहा सेक्शन, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा वायर का, और एक सेक्शन ये रहा, पूरा एक सेक्शन, पांच सेक्शन। आपको पता होना चाहिए सेक्शन वायर सेक्शन वन की वजह से, सेक्शन थ्री की वजह से और सेक्शन फाइव की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों होगी आपको पता होगा, क्योंकि जो वन सेक्शन है, ये जो वायर है मान लो इस ये इस वायर की एक्सिस ये है, ओ पॉइंट इसी एक्सिस पर आता है, मतलब ये वायर इसी एक्सिस से इसी पॉइंट से पास होता है, ये वायर नंबर थ्री भी इसी पॉइंट से पास होता है, और वायर नंबर यहाँ से लेके जो सेक्शन है फाइव ये भी यहीं से पास होता है। तो वायर नंबर सेक्शन नंबर थ्री सेक्शन वन और सेक्शन फाइव के एक्सिस पर पॉइंट पड़ता हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बचते हैं हमारे पास में बी टू, मतलब इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये आर्क है मान लो ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है हमारे पास में, लेट दिस इज पाई बाई थ्री। हाँ, ये एंगल आपको रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में तो रेडियन में कन्वर्ट उसको कर लो आप। तो बी टू की वैल्यू, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर हम जानते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई डिस्टेंस रेडियस दैट इज बी इंटू पाई बाई थ्री। सोल्व करोगे इसको तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई दैट इज 12 बी। अब डायरेक्शन की बात आती है तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल्ड कीजिए किधर, करंट की डायरेक्शन में ऐसे, तो थंब किधर इनवर्ड, तो थंब आपको इनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, इसके सेंटर पर इनवर्ड का मतलब क्रॉस। तो बी टू की वैल्यू आ गई, बी वन की हमें पता था जीरो है, बी टू हमने निकाली, बी थ्री पता जीरो, बी फोर। अब इस वायर की वजह से फिर से ये एक आर्क है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी फोर सेंटर पर होगी म्यू नोट बाई फोर पाई आई बाई इसकी रेडियस दैट इज ए है इंटू एंगल पाई बाई थ्री। डायरेक्शन की बात आती है, आप उंगलियों को कर्ल्ड करो इसकी डायरेक्शन में तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की एट द सेंटर, जो डॉट होगी बाहर की तरफ हो जाएगी। तो बी फोर की जो वैल्यू आई हमारे पास में वो आई म्यू नोट बाई फोर पाई आई बाई पाई से पाई कैंसिल हो गया दैट इज 12 ए नहीं सॉरी हाँ ए है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट वाली। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो। अब इन दोनों वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक की वजह से अंदर है, एक की वजह से बाहर है, एक की वजह से अंदर है, एक की वजह से बाहर। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, नेट के लिए क्या करोगे आप, ज़्यादा में से कम वाली घटाएंगे। अब ज़्यादा कौन सी है जरा देखते हैं, म्यू नॉट आई बाई 12 दोनों में कॉमन है, म्यू नॉट आई बाई 12 म्यू नॉट आई बाई 12। अब इसके डिनोमिनेटर में बी है और इसके डिनोमिनेटर में ए है, और ए की वैल्यू छोटी है एज कम्पेयर टू बी, ए की वैल्यू छोटी है, ये छोटी है तो ये पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब दैट इज़ बी फोर ज़्यादा है, बी फोर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही बचेगी और दैट इज़ बी फोर माइनस बी टू, बी थ्री माइनस बी फोर माइनस बी टू। और इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, बी फोर में से सब्ट्रैक्ट करें 1 बाई ए माइनस 1 बाई पी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एलसीएम वैल्यू ले लो आप, तो दैट इज पी माइनस ए म्यू नॉट आई बी माइनस ए बाई इन दोनों प्रोडक्ट ए बी यानी कि 12 ऑफ ए बी। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब डॉट, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर वायर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो और प्रॉब्लम है यहाँ पर ले लेते हैं, इसको वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर ले बच्चे, वीडियोस को पॉज करें और इसको नोट जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। वीडियोस को पॉज करके नोट जरूर कर लें बच्चे, इसको साथ के साथ नोट करते चले जाएं। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप खुद करने की प्रैक्टिस करना, आप इसके अंदर कोशिश करना कि खुद के खुद सवाल हो जाए आपसे। देखिए आप कैसे, जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास में कि एक ये वायर करंट आई ये घुमा दिया मैंने, इनफाइनाइट तक जाता है, करंट आई फ्लो रहा है,
इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, रेडी से निकाल दो आप। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक, प्रैक्टिस करो वीडियोज को पॉज करके। चलो देखिए, यहाँ पर पूरे वायर के तीन सेक्शन है, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा और एक सेक्शन ये रहा, तीनों वजह से आपको पता है एक सेक्शन की वजह से और तीन सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो हो रही है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वायर भी इसी पॉइंट में से पास हो रहा है, ये वायर भी इसी पॉइंट में से पास हो रहा है, मतलब इस वायर की एक्सिस ये है और इस वायर की एक्सिस ये है और दोनों वायर की एक्सिस पर ही पॉइंट आता, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो। वायर सेक्शन नंबर दो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जानते हैं सेमी क्या है, सर्कल है, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई रेडियस इंटू एंगल कितना बना एक सेंटर पर पाई, पाई से पाई मर गया तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आई म्यू नॉट आई बाई फोर ए। डायरेक्शन आप बता सकते हो भले आसानी से, किधर होगी? इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब क्रॉस, दिस इज द रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। तो ये था हमारे पास में करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या कोई आर्क दे दे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सवाल और भी हैं, बट आपके स्कूल लेवल के हिसाब से ये काफ़ी होगा। वीडियोज़ को पॉज करो और इसको नोट कर लो।